लखनऊ सुल्तानपुर लंबुआ तहसील के रजवाड़े रामपुर गांव में बन रहे मानक के महाविपरीत हो रहे विद्युत सबस्टेशन का कार्य ग्रामीण कर रहे विरोध। आज तहसील समाधान दिवस पर ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण बाउंड्री वाल लाल पेटी ईंट से बनाई जा रही है और जो बन चुकी है अपनी चोरी छिपाने के लिए तुरंत प्लास्टर 1:10 के अनुपात करा दिया गया है। विदित रहे जब यह पत्रकार समाचार कवर करने पहुंचा तब मौके पर विभाग के एक मौर्या जेई मौजूद मिले। इस पत्रकार ने लाल पेटी ईंट से ईंट बजाकर देखा तो ईंट दो खंड में हो गई। बाउंड्री बाल को जब देखा तो ईंट लाल पेटी से बनाई थी। यही नहीं, कमी को छिपाने के लिए बाउंड्री बाल को तुरंत प्लास्टर भी किया जा रहा था। हद तो तब हो गई बाउंड्री बाल को बनाने तथा प्लास्टर में जो मशाले का प्रयोग 1:10 का हो रहा था वहाँ पर कार्यकर मजदूर और ग्रामीणों ने बताया। इस समय हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के लभुआ तहसील के और लभुआ ब्लॉक के रामपुर गांव में स्थित हैं। यहां पर 33 केवीए का है, 132 केवीए का विद्युत उपकेंद्र बन रहा है और यहां की स्थिति मैं देख रहा हूं बहुत ही नाजुक है। जहाँ नंबर 1 की ईंट का प्रयोग होना चाहिए वहाँ मैं देख रहा हूँ नंबर पीली ईंट का प्रयोग हुआ है। अभी हमने ईंट की रिकॉर्डिंग की है, उसको मैंने प्रैक्टिकली देखा है और जो पिलर बन रहे हैं वो 4 फुट की सरिया होनी चाहिए खड़ी खड़ी और उसका राउंडिंग जो है वो 2 फुट की सरिया का होना चाहिए, 2.5 फुट की, जो कि ये मानक के विपरीत है। और ऐसा जो है सरकार को सिर्फ चूना लगाना एक मकसद काम है। आइए हम सबसे पहले गांव की जनता से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह, दोनों लगा दीजिए। आप का क्या कहना है इस विषय में? हमको यही कहना कि यहाँ कोई काम ढंग से ठीक नहीं हो रहा है। नंबर 3 ईंटे से जुड़ैया हो रही है। यहाँ पेड़ का जितना ये पावर हाउस का जो मानक था जितना उससे ज्यादा लकड़ी काटी गई और उसके बाद सब पूछते हैं तो बताते हैं कि ये प्रधान करवा रहा है। प्रधान से ये 442 पेड़ कर रहे थे उससे ज्यादा ये अपना काट रहे हैं। लकड़ी को क्या कर रहे हैं? काट कर लकड़ी को काट के अपना कर रहे हैं, कहीं इधर उधर अपना सप्लाई भी कर दे रहे हैं ये लोग। नहीं तो ग्राम सभा की लकड़ी है, ग्राम सभा में जानी चाहिए ना। नहीं ये तो कह रहे हैं कि हम तो टेंडर लिए थे तो हम अपना ये लकड़ी लेके जाएंगे। टेंडर तो जमीन का हुआ होगा? नहीं बता तो यही रहे कि लकड़ी का भी टेंडर हुआ है। अभी हम पूछते हैं, आप बताइए आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जो यहाँ पे पावर हाउस बन रहा है ये रामपुर ग्राम सभा में स्थित है, लेकिन सरकार की उपेक्षा के अनुरूप सारे काम हो रहे हैं। जो काम हो रहा है 132 केंद्र का बन रहा है विद्युत पावर उपकेंद्र, इसमें पीली ईंट का प्रयोग हो रहा है, सीमेंट जो है मानक के अनुरूप नहीं है और मसाला जो भी वो भी मानक के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे पूरा हीला हवाली किया जाए, सिर्फ इसमें सरकार को बदनाम किया जा रहा है। पेड़ वाली बात पर क्या कहना चाहते हैं? पेड़ का जितना टेंडर हुआ है एसडीएम साहब की यहाँ से उससे ज्यादा ये लोग पेड़ काट रहे हैं। पेड़ गांव सभा के लिए था टेंडर में कि नहीं? जो टेंडर हुआ था उसका पैसा एसडीएम साहब ने अब ग्राम सभा को दिया है, शासन को दिया है। इसका शासन से टेंडर हुआ है जितने रकबे का, उस रकबे से ज्यादा पेड़ लोग काट रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस पर पूरी गांव सभा एतराज कर रही है कि मतलब जितने पेड़ गिने गए थे उससे ज्यादा काट रहे हैं। जी जी धन्यवाद।